हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेरे को पेंक्रियाटिस प्रॉब्लम 2016 से है। जब फर्स्ट अटैक आया उस समय नहीं पता था कि मेरे को पेंक्रियाटिस है। जब अटैक आया, हॉस्पिटल गया, कुछ गैसेस की गोली दी गई, दो तीन दिन तक हॉस्पिटल में रहा, फिर सोनोग्राफी किया गया। उसके बाद सोनोग्राफी में थोड़ा पेंक्रियाटिस करके बताया गया। उसके बाद सीटी स्कैन हुआ, उसमें भी वही रिजल्ट आया। फिर ड्रिप लगा, इंजेक्शन लगा, जैसे भी दो तीन दिन वहाँ रहा। फिर ठीक हुआ, वापस घर आया, फिर वही कंडीशन दो तीन महीने में फिर चालू हो जाता था। लगातार ऐसे सिलसिला चलते गया 2016 से लेके अब तक। तो इस बीच में मैं कम से कम 12 से 15 बार हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। उसके बाद जब जैसे दर्द ज़्यादा बढ़ता था, तो एक बार मैं हैदराबाद में दिखाया, दो बार हैदराबाद हो चुका। तो वहाँ पर दिखाया तो वहाँ पर डॉक्टर सर बोले कि एक सिस्ट बन गया है, बोले वहाँ पे 5.1 mm लगभग ऐसा है, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें वो क्लैंप डालना पड़ेगा। तो सर को मैं पूछा क्या ये सही रहेगा आगे जाके, तो उनका कहना था ये तो अभी 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 आपका फ़िलहाल तकलीफ दूर होगा, आगे जाके फिर हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो उसके बाद मैं ऑपरेशन तो नहीं कराया, टेबलेट वेबलेट लेके सीटी स्कैन करा के फिर वापस घर आ गया। उसके बाद ऐसे ही मैं बैठा था तो यूट्यूब में सिर्फ मैं ये देख रहा था कि पेंक्रियास पेशेंट को खाना क्या है, परहेज क्या करना है। तो उसी भी सर का ये वीडियो देख पाया मैं। तो उस वीडियो को मैं थोड़ा डिटेल में देखा, फिर दो वीडियो देखा, फिर मैं पापा को दिखाया, ये देखिए तो मैं 5 दिन में ऐसा कर सकते हैं बोल रहे हैं डॉक्टर सर नागपुर से। तो पापा को दिखाया तो पापा सजेस्ट किए एक बार आप मिल के आ जाओ। फिर सर से मैं मिलने आया एक बार, फिर मिला, फिर सर बताए कि हम लोग 5 दिन का ट्रीटमेंट करते हैं एडवांस हेल्थ केयर में, तो आप इसे करके देखिए। तो इसलिए मैं आया, आज मेरा 5वां डे है और बहुत अच्छा फीलिंग है यहाँ का, और बहुत अच्छा से इलाज होता है, जेनेटिक तरीक़े से इलाज करते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप हॉस्पिटल में हो, आप ऐसे घर टाइप का माहौल रहेगा आपका, एकदम घर ही जैसा। और यहाँ के स्टाफ भी बेस्ट है, डॉक्टर तो है ही बेस्ट। और एक छोटी से आप लोग को रिक्वेस्ट है, अगर आप पेंक्रियास है आपको, तो एक बार आप ज़रूर आइए, क्योंकि समय बहुत अच्छा रहता है सबके लिए। आप भी इसका ट्रीटमेंट कराइए।